आंखें बंद ही रखें, हम प्रथम ध्यान करेंगे। वी आर गोइंग टू मेडिटेट फर्स्ट। जस्ट रिलैक्स। And relax. Relax your body, relax your mind, be with your breath, try to connect to Akashic records, lords of Akasha, I invite lords of Akasha, Akashic record keepers and guides, I invite the divine director, I invite Sanat Kumara, I invite goddess Liberty, I invite Mother Isis. I invite Shambhala Masters. I invite Goddess Circle. Just 5 minutes silence. कोई guidance नहीं, एकदम silence में अगले 5 मिनट हम ध्यान करेंगे। Okay, now you can open your eyes, just come back slowly.
आप सबका बहुत 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 स्वागत है आज के इस फ्री आकाशिक रीडिंग के सेशन में। और मैं पद्मा प्रिया सरोदया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी को आत्मवंदन, सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी को एक बहुत बढ़िया सा प्यार भरा शावर, बहुत सारा शावर मेरे तरफ से। जितने भी हमारे YouTube चैनल के दर्शक है सबको एक प्यार भरा शावर। फील द एनर्जी। फील कीजिए कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है प्यार, एक तरह से प्यार की चादरें ओढ़ रहा है कोई। वाओ वाओ वंडरफुल वंडरफुल, आप सबका प्यार से स्वागत है, दहे दिल से स्वागत है। मैंने कहा चलो आज पद्म प्रिया के स्टाइल से सबका स्वागत करते हैं। एनर्जी दोस्तों हमारी हमेशा हाई होनी चाहिए, हाई वाइब्स, राइट। देखिए आप सब सवालों के लिए तो आए हैं। What I was saying is that energy should be high always, and I was just showering love energy on you. Just feel the shower of love energy on you, each one of you. And I know that all of you have come here for questions. देखो सवाल तो हमारे जिंदगी में चलते रहेंगे भैया, पर जिंदगी को जो है वो हमें मौज से और मस्ती से जीनी चाहिए। जीनी चाहिए या नहीं जीनी चाहिए, नहीं तो पता चला बाप रे ये तो क्या बन गया, हम तो फ्री आकाशिक रीडिंग सेशन तो करने वाले थे पर सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल, सवाल पूछे जवाब लिया तो भी हम सवाल दूसरा सवाल सिर में रख के निकले हैं यहाँ से। ऐसे नहीं, कुछ अच्छा भी लेके जाएंगे, सवाल का जवाब भी लेंगे और कुछ अच्छा भी लेके जाएंगे, राइट। Yes. तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको ये है कि अभी इस वीक के 10th और 11th मतलब फ्राइडे और सैटरडे जो हमारा 3-3 hours का आकाशिक रिकॉर्ड वर्कशॉप होने जा रहा है, जहां पे हम सिखाने वाले हैं खुद का आकाशिक रिकॉर्ड कैसे ओपन करना है, खुद की रीडिंग खुद कैसे करना है, उसके लिए जिन्होंने अब तक नहीं रजिस्टर किया जिनको सच में सीखना है तो वो बिल्कुल रजिस्टर करे, अगले 2 दिन में अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करे। आई रिपीट दिस वीकेंड फ्राइडे सैटरडे 10th एंड 11th फरवरी वी आर गोइंग टू हैव अ 3 hours 2 days आकाशिक रीडिंग वर्कशॉप वेयर वी आर गोइंग टू टीच यू हाउ टू ओपन योर ओन आकाशिक रिकॉर्ड, हाउ टू रीड, हाउ टू टेक आंसर बाय योर ओन, बी इंडिपेंडेंट। यू ऑल आर ध्यानीज, यू ऑल आर मेडिटेटर, इंडिपेंडेंट बने, वी ऑल आर शुड बी स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट एंड स्पिरिचुअली टू बिकम स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट आकाशिक रिकॉर्ड्स आर देयर, योर आकाशिक गाइड्स आर देयर टू हेल्प यू आउट। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन कनेक्ट टू मी पर्सनली, इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड कनेक्ट टू मी पर्सनली, व्हाट्सएप मी, दिस इज माई नंबर, okay, you can WhatsApp me, I will share the form link and fees and everything with you, okay, so don't miss it out, in a very nominal fees with a nominal energy exchange, we are teaching this to everyone, okay, now, yeah, now we are moving on to our reading session, and my dear friends, first you have to understand those are here that we have one Google form, to join this free Akashic reading session. In this reading session, we are taking one question per person, okay? And every time, every person is not going to question. You must have, as a meditator, as a senior person, you must give a chance to other people also. So please allow new people to come in every Monday in this meeting room. Okay, so today what we are going to do is that we have received fresh new registrations and I am going to announce those people name. If you are here, please raise your hand. Old people, please
Lower your hand. We are going to give chance to new people. Okay, so here we go. Ready with the question. Atul Vitlani from Pondicherry. Are you there, Atul Vitlani? Atul Vitlani from Pondicherry, your question is, land, you have, I think you have an issue with your land at Radhapuram village, and some personal issues you are mentioning. I'm not reading your question because it's a complete personal, it's a based on relationship issue. Atul Vitlani, sir, if you are hearing this, if you are online, you have to connect with me personally because you have a personal issue in your relationship and the answer should be completely private and confidential. This is a live session. I cannot answer your question live, which is completely private and confidential. So I would like to maintain that confidentiality and I respect everyone's privacy and confidentiality. Okay, so sorry, sir, I cannot take your question and I think you are not present over here. Now, next, we are moving on to Meenakshi from Noida. Meenakshi from Noida. Okay, she is present. What is your question, Meenakshi? Unmute kare. Yes, ma'am. What was I in my last verse? Namaskar, ma'am. Namaste, namaste. My question was, what was I in the last birth and why I am here again on this earth? You were a Buddhist mom. Oh. Why? For fulfilling the mission. To do the same. But right now I am a homemaker. और ये जन्म में तो आप दूसरों के लिए आए हो. तो किसी के लिए कहाँ से क्या कर पाए अभी तो? घर से ही शुरू करना है. I want to do something. Something means I want to do many things, but don't know how to start, where to start. क्या क्या करना है आपको बोलिए. क्या आप कैमरा ऑन कर सकती हैं आपका? जी मैम. बोलिए फटाफट बताइए, चार पांच लिस्ट बताइए जल्दी. स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाना है, लाइक सारा इंट्यूशंस हो, हर एक की हेल्प कर सकूं जो परेशान है, उनको मेरी वजह से थोड़ी हेल्प मिल सके. मींस आई वांट टू सी फेसेस स्माइलिंग मेरे आसपास, सब लोग खुश हों. कुछ प्रॉब्लम लेके आए, मैं ऐसे एक सेकंड में उनका कुछ सॉल्यूशन निकाल दे. पर जिम्मेदारी किसी की लेनी नहीं है, मदद सबको करनी है. लेनी है? नहीं लेनी है. अच्छा, नहीं लेनी है. मदद सबको करनी है, मार्गदर्शन करना है. वी ऑल आर गाइड्स ओवर हियर, वी आर गाइडिंग अदर पीपल, नॉट टेकिंग एनीवनस रिस्पांसिबिलिटी. तो क्या कर रहे फिर उसके लिए? फटाफट शुरू कर दीजिए काम, मजा आएगा आपको. तो कैसे स्टार्ट करें? मतलब आपने कितने लोगों को मेडिटेशन सिखाया? मेडिटेशन नहीं सिखाया अभी तो, खुद ही करने में मजा आ रहा है बहुत ज्यादा. तो देने में भी मजा आएगा, देना शुरू कर दो, बस बताना शुरू कर दो. अरे पता है क्या, मैं ध्यान करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है आजकल, मैंने ध्यान करना शुरू किया है. क्या आपने कभी कोशिश की है? आप भी करके देखिए ध्यान, बड़ा मजा आएगा. देन सेंड देम द यू नो द एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियोस फ्रॉम पीएमसी हिंदी चैनल, है ना. पीएमसी हिंदी चैनल के जो होते हैं ना आत्मानुभव, ध्यान के अनुभव, ये वीडियो जो है वो शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए. इस तरह से शुरुआत कीजिए. पिरामिड के आप कभी किसी को गिफ्ट कीजिए, कभी किसी को ध्यान जगत की पुस्तिका गिफ्ट कीजिए. ओके. वो प्रकाश है,
वो आप जो दोगे वो प्रकाश है, वो ऊर्जा है जो किसी के पास जाएगी। अगर आप मैगजीन भी देते हो तो वो ऊर्जा आप दे रहे हो उनके घर में पहुंचा रहे हो, वो ऊर्जा हमेशा रहेगी उसके फॉर्म में। अगर मान लीजिए कि हम पिरामिड गिफ्ट करते हैं किसी को, तो वो पिरामिड के फॉर्म में वो ऊर्जा उनके पास रहेगी। इट विल ओके वर्क फॉर देम। क्रिस्टल गिफ्ट कर सकते हो आप लोग, है ना, कुछ ऐसी अनोखी चीज। देखिए हम जाते तो हमें कुछ ना कुछ तो गिफ्ट करना पड़ता है ना, तो कुछ हाँ ऐसा अनोखा कीजिए। क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स होते हैं, तो उनको वो जो है ना, वो क्वेश्चन उठने स्टार्ट होने चाहिए कि यार ये क्या चीज है, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, है ना, ये पावरफुल है। तो फिर वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन एक एक सिलसिला स्टार्ट होगा। देन यू कैन गाइड देम लाइकवाइज ऑल्सो। मतलब ये सभी के लिए है, वी कैन डू मेनी थिंग्स। क्रिस्टल्स में तो कितनी सुंदर ज्वेलरी होती है ना। जैसे मैंने भी खुद ब्रेसलेट पहना है, जैसे मैंने भी खुद एक बहुत बड़ी अंगूठी पहनी है ना। तो क्रिस्टल्स में बहुत सुंदर सुंदर होता है। क्रिस्टल्स आर यू नो मिनरल वर्ल्ड के एनलाइटन मास्टर्स हैं, तो वो काम तो जरूर करते हैं। तो इस तरह से कनेक्शन बनाई है, घर में एक आध दिन मेडिटेशन सेशन रखी है, आसपास के लोगों को बुलाई है, एक भी अगर पर्सन आया तो भी चलेगा, बिठाई है उनको ध्यान में, आधे घंटे का सेशन रखी है, या फिर कलेक्टिव किसी। आप कौन से सिटी से हो? मैं नोएडा नोएडा। यूपी नोएडा से। में और भी मास्टर्स होंगे हमारे, पिरामिड मास्टर्स, किसी की हेल्प लीजिए सीनियर की, उनको बुलाइए, घर पे मेडिटेशन रखी है, कितना कुछ करने को है। आप बता सकते हैं इधर कुछ मास्टर्स हैं तो? नोएडा में होंगे जरूर, पर दिल्ली वालों को पूछना पड़ेगा मुझे, मैं पर्सनली जी किसको नहीं जी जानती हूँ। और ये प्रिया, क्रिस्टल ज्वेलरी हाउ हाँ कैन आई बोलो गेट इट? सुप्रिया। आई विल सेंड हर, मैं सेंड कर दूंगी, मेरे पास है नंबर नोएडा की मास्टर्स की। हाँ अच्छा अच्छा मीनाक्षी जी, सुप्रिया आपको भेज देगी। थैंक यू सो मच। और मैम ये कहाँ से क्रिस्टल ज्वेलरी कहाँ से अवेलेबल हो सकता है? ये कहीं पे भी मिल ब्रेसलेट जाएगी आपको, ऑफलाइन शॉप्स होती है या फिर ऑनलाइन तो मिल ही जाती है। आप मैं क्या वो, इधर? हाँ बोलो सुप्रिया। मैं कह रही हूँ वो उसके लिए भी मैं हेल्प कर सकती हूँ, बिकॉज हाँ आई सुप्रिया सो से कनेक्ट करो नाइस ऑफ सुप्रिया। यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस, क्रिस्टल के रिगार्डिंग कुछ भी हो प्रिया मैम, बिकॉज आई डू क्रिस्टल्स एंड पिरामिड वर्क, सो आई कैन हेल्प। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ओके थैंक ओके, यू। आई विल कनेक्ट विद यू प्रिया मैम। ओके श्योर श्योर, ओके थैंक यू मीनाक्षी जी। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन अगेन। आर के सर दिल्ली से, क्या है आप मौजूद अभी जूम मीटिंग में? ओके फिर आते हैं हम रोहित, क्यूबेक सिटी। रोहित, रोहित इज देयर? रोहित यस ही इज प्रेजेंट। तो सुप्रिया अनम्यूट कर देना उस जिनका नाम आया है उनको। यस रोहित सर, एम आई ऑडिबल मैम? या फ्रॉम व्हिच कंट्री यू आर? कनाडा। ओके विल ओके यू ओके प्लीज, ओके इन कनाडा वेयर डू यू लिव बाय द वे? क्यूबेक, क्यूबेक सिटी। ओके। एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड रिसेंटली, ही इज नाउ इन कनाडा एक्चुअली, एंड इन द मॉर्निंग ही वाज आस्किंग इज देयर एनी पर्सन टू हुम आई कैन कनेक्ट, आई वांट टू मीट पीपल ओवर हियर। या श्योर श्योर। ही इज लिविंग इन वैंकूवर। ओ वैंकोवर, लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ इंडियंस ओवर देयर। वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस है, तो हाँ ब्रिटिश कोलंबिया, या वी कैन कनेक्ट। राइट राइट, बोलिए। यू हैव नॉट माय रिटन डाउन योर क्वेश्चन। आई हैव एबल टू सी द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ। ओके ओके आप पूछ तो आई लीजिए, डोंट चलिए। सो लाइक ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड मेरा मासी का डेथ हो गई, तो दैट वाज अ सुसाइड। सो आई डोंट नो इफ इट इज अ पर्सनल रीडिंग और नॉट, आई एम नॉट श्योर। तो रीजन क्या हो सकता है दैट आई वांट टू नो, बिकॉज आई कैन आस्क लाइक माय पेरेंट्स और समवन, बट मुझे पर्सनल खुद का रीजन आइडेंटिफाई करना है रादर देन आस्किंग अदर पीपल। तो वो है मेरा क्वेश्चन।
ओके, मैं आंसर तो दूंगी बिकॉज आई एम हियर टू यू नो आंसर, बट रोहित डिपार्टेड सोल्स का जो होता है, लाइक यू नो जो चले गए वो चले गए, वो चीज यस वहीं यस पे खत्म होगी, और वो हमें जो जिंदा है उनको हमें आगे बढ़ना होगा, लाइक यू नो यू कैन नॉट बी इन द पास्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. यस क्योंकि द थिंग बेसिकली इज फर्स्ट रीजन यही आ रहा है कि शी वाज इन फुल डिप्रेशन, ओके और उनके डिप्रेशन के पीछे बहुत सारे कारण थे. या और उनका ये इंकारनेशन का वो एक्सपीरियंस लिखा हुआ था, ये भी होता है ना, ये भी लिखा हुआ या था. ओके ओके सो या बिकॉज लाइक फ्रॉम 25 इयर्स दैट वाज रियली हॉन्टिंग मी. हॉन्टिंग नहीं है बट वो एक दिल में होता है क्यों क्यों क्या रीजन था वही. सो अभी भी आई एम स्टिल अटैच्ड सो आई कैनॉट एक्चुअली लीव दैट सच. एनर्जेटिकली यू नो इट इज पुलिंग यू बैक, यू यस कैनॉट यस मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ एंड यू मस्ट हैव टू कम आउट ऑफ दिस, True, true. इट्स हाई टाइम नाउ Okay, I डू will समथिंग, definitely. या डू समथिंग विद दिस, Yes, I will definitely एंड do एंड something. इफ आई कैन हेल्प यू लेट मी नो, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस, सो पर्सनली आई हैव दिस एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, डोंट वरी. Sure. I'll me तुम्हाला मैसेज करतो. ओके, Thank you, thank you. यू कैन स्पीक मराठी आल्सो, ओके Yes. ग्रेट. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सन, सृष्टि फ्रॉम कोलकाता, व्हाट आर माय सोल्स गिफ्ट्स, इज शी देयर हियर, Srishti is the present. Akanksha, yes, raise your hand then. Where are you? Supriya, I'm not able to see you. Hello, hi. Hi. Yes, I'm here. So, is this your question? Yeah, what are my soul gifts? I want to know where to, like, I like telepathy. I want to practice this whole stuff, but I don't know what are my soul gifts, you know? You have a born, you know, psychic powers, that is extra sensory perception. Okay. Yeah, that is the first thing. And like how, in which, for which power you will work more, it will enhance more, because extra sensory perception is something that you can learn anything. I can learn anything. Yeah, like you know, telepathy or anything. There are different modalities, there are different things which are available for you. But one thing is for sure that you know you can choose as a career. Or you can choose to being like in a spiritual service giver person or spiritual professional, anything as a career you can choose with it. Then can you suggest me to start with something to start with? It should come from within, Srishti. That is so important. I agree, Akashic guides are there to guide you, Thank you. but for learning every time they will not motivate you, know, so it should come from within that yes, this is the modality, this is the thing I want to learn. If you want to try, you can have a try of this 2 days workshop for Akashic Record. Okay. You can go learn that and see how you're feeling. The feeling should come from within, then only you will choose the further one. Okay. Okay, because there are n number of things, n number of things.
And again, it depends on the frequency and vibration. So what is your frequency and vibration? It totally depends on that. Like one girl, she, you know, in last one of my sessions, Sri Akashic reading, she got connected to me. And you know what? She has that, she personally then connected to me for Akashic reading. She has taken Akashic reading. She did that Akashic record workshop. And in that personal one-to-one session, I had checked, you know what? Her uniqueness is that she can scan perfectly. She is a scanner. Okay. Yeah, so she can like doctor. And but it happened like when we sit one on one, then like you know I can check with her. So फिर मुझे समझा कि अच्छा मैंने उसकी एक दो चीजें देखी उसकी एक दो छोटी सी exams ली like you know I tested her. तो फिर बाद में clear हुआ कि चलो उसको आगे कहाँ जाना है और आगे क्या सीखना है. मुझे भी ये डायरेक्शन चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है. बस ठीक है, आई विल कनेक्ट टू यू. हाँ, कुछ ऐसा सीखो, क्योंकि देखो ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी चीजें, कुछ ऐसा सीखो कि जो काफी यूनिक भी हो. मतलब लाइक यू नो जब तुम सर्विस देना स्टार्ट करो तो तुम्हें बताने के लिए लोगों को कि तुम क्या देती हो, तुम्हें क्या आता है, ये समझाने के लिए, है ना. Will I share two, three experiences of mine? One only. Okay, one. Because so others are waiting. Sorry. So what happened once was I was meditating on terrace early in the morning in winters. And I just got a thought it will rain. And within second started raining. Wow. In winter, in December, like end of December. It just rained for few minutes, not more than 2-3 minutes. But it was raining, you know. And once again. Twice I was meditating on terrace only. So I wanted to meditate and it was raining and I just asked God to just stop rain for like half an hour. I just want to meditate and it literally happened. Wow. I feel like when I'm aligned, things fall into place. Okay. And next experience. Interesting. Okay. Related to this marriage only. Sorry. This rain only, like weather only. I tried. You came in last session also, Srishti? Yeah. Okay, I asked you that I'm going to connect with you. Personally. Yeah, I also texted you about this personal question. Okay. Okay. Thank you, Srishti, wonderful experience sharing. Thank you. Yeah. So, next is Kripa Hegde from Badlapur East. Kripa, is she present? Hegde from Badlapur East. Yeah. Raise your hand. Atma Vandan, ma'am. Atma Vandan. Aapka prashna kya hai? एक ही प्रश्न सब पूछेंगे क्या, कुछ अलग प्रश्न नहीं पूछेंगे? नहीं मैम, मेरा नेक्स्ट जो है वो लीला जी दोहा से रेडी रहिएगा अगर है प्रेजेंट तो. हाँ बोलिए कृपा जी. हाँ मैम, मेरा मतलब लाइफ पर्पस क्या है, मतलब मैं इधर क्यों आई हूँ ये मुझे जानना था. आपको क्या चाहिए अभी इस वक्त बताइए. मैम मुझे आपके खुद के लिए मुझे मोक्ष चाहिए मैम. हाँ? मोक्ष चाहिए. क्यों चाहिए मोक्ष? बस सब कुछ हो गया. सब कुछ देखे. आपकी आंखें कुछ और बता रही है और आपकी आंखें बहुत कुछ बता रही है, और जो आपको चाहिए वो बाकी की सारी औरतों को चाहिए और वो आपको देना है, उसके सिवा आपको मोक्ष नहीं मिल सकता. हाँ मैम, आपको औरतों को देना है, दैट इज योर रीजन फॉर बर्थ. और जो आपकी आंखें बता रही है जो आपको चाहिए, या फिर जो चीज नहीं चाहिए और जो चाहिए जो बता नहीं सकती और जो नहीं चाहिए वो दिखा भी रही है, ये दोनों चीजें के लिए ऐसी कई सारे औरतें ऐसी स्थिति में हैं, उनको आपकी मदद चाहिए. हाँ मैम, मैं देना चाहती हूँ लेकिन
दे नहीं पा रहे हुए ऐसा। मैं मेडिटेशन सिखाना चाहती हूँ लेकिन घर में मेरा अलाउड नहीं करते, मैं खुद मेडिटेशन के लिए अलाउड नहीं करते, तो मैं कैसे बाहर बाहर के लोगों को सिखाऊँ, ऐसा मेरा हालत हो गया। कुछ मत जाइए, कहीं पे भी मत जाइए, घर से शुरू कीजिए। कोई नहीं रोक सकता आपकी आपकी सोल की इवोल्यूशन को, आपकी आत्मा प्रगति जो होती है उसके लिए दुनिया में कोई किसी को नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। देखिए लास्ट टाइम सुप्रिया ने ऐलान किया था कि मैम मैं रेडी हूँ सबको मदद करने के लिए, कोशिश और वो इस बार है यहाँ पे, शी इज देयर। करती हूँ मैम। ओके, कनेक्टेड ओके मैम, रहिए, कनेक्टेड रहिए और आगे बढ़िए, रुकिए मत। पर मेरे गुरुजी, हम सबके गुरुजी पृथ्वी सर हमेशा एक ही चीज कहते थे उनके स्टाइल में, आगे बढ़ो बाबा, आगे बढ़ो, कितना दिन ऐसे रहोगे, आगे बढ़ो। ओके ओके चलिए, थैंक यू मैम, थैंक। लीला फ्रॉम दोहा, इज शी प्रेजेंट? लीला फ्रॉम दोहा, ओके, व्हाट वाज हर क्वेश्चन बाय द अबाउट हर डॉटर्स मैरिज? लीला मैम प्लीज कनेक्ट टू मी पर्सनली। अंकिता श्रीवास्तवा फ्रॉम इंदौर, ये अंकिता श्रीवास्तवा, गोपाल श्रीवास्तवा, छाया श्रीवास्तवा, ये एक ही फैमिली के हैं क्या आप लोग? इंदौर से है कोई प्रेजेंट यहाँ पे? अंकिता श्रीवास्तवा, ओके, सरिता दास भुवनेश्वर ओडिशा, सरिता है, सरिता दास भुवनेश्वर ओडिशा। सुप्रिया थोड़ा चेक ऑन रखना अगर कोई प्रेजेंट होगा तो। समीक्षा महाजन अमृतसर, समीक्षा महाजन अमृतसर है, समीक्षा जी हैंड रेज करना होगा तो ही हमें समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ओके, श्वेता बिरथरे बैंगलोर, श्वेता बिरथरे बैंगलोर, इज शी देयर? व्हाट इज अ क्वेश्चन? हाय, एम आई ऑडिबल? यस, शुड आई रीड आउट माय क्वेश्चन और इज इट एक्सेसिबल टू यू? यू आर आस्किंग व्हेन विल माय अवेकनिंग विल हैपन? या आई नो, यस आई यू आर डू वेरी नो सो दैट। डेस्परेट फॉर योर अवेकनिंग। नो, आई हैव been you know spiritually active since 2020, so I do have a sense that I have a higher purpose, but I do not really have a lot of clarity on what exactly am I supposed to do. So I believe that comes with the awakening. If you can guide me, you know, if you can probably access my Akashic records and help me understand. Your child, your first child will lead you for your awakening. And it's not a one-time process. It is like, you know, step by step, step by step. You will evolve along with him. You will evolve. And yes, you are meant to do. I mean, you're meant to be here for a higher purpose. It's true. You have extrasensory perceptions. You have that psychic abilities. Try to work on that. There are many people, there are many women who are working, who are doing job, but still they are learning something new because it's their passion, because it is their heart calling. And side by side, they are learning and they are getting independent. Many women I came across just now, they are learning, and when they feel now they are settled, then they leave their job because they are earning more than whatever they are getting in their job. And they are following their passion too. So when you will start polishing your powers, you know, using it, you have a power. It's like, you know,
you have gifted some sacred power, some weapon, for example, weapon, and if you're not using it, what will happen to that weapon then? It will be no mean. It will have no meaning. Yeah, not, you know, nothing. It will not be useful for you, for your personal life also, and for others also. So when you will start working on it, first your life will change. Otherwise, you will be like ordinary. See, it's not, it's good that you are working. You should. But main question is that you are like, you know, different from others because you have that powers and you have to access that power. You have to use that powers. Then it will start benefiting you. It will help you to change your own life first. Okay. Ma'am, so do you see me doing big things? So I'm not really asking that will I be famous? No. But things that have an impact on a community, you know, a larger impact on the society that we're living in. Definitely. Definitely. So you can see yourself in future, Shweta is saying, transforming, you know, 1,000 lives, transform 1,000 lives or something like that. Yes, I what do. What you need to do today is that just prepare your mind and say yes in your mind for that thing. Because you have not taken into your reality all this consideration, all this possibility. You were just like, okay, I'm satisfied, I'm good, I'm working. Like, you know, I'm independent and everything is all set, all good. So at that condition, you know, we don't go like you much far. Because change will bring some... क्या होता है ना कि जब बदलाव आता है तो सब चीजें हमारी जो है ना वो उलट पुलट हो जाती है कुछ नया सब स्टार्ट होने स्टार्ट हो जाता है सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन एंड एवरीथिंग वो चीज जो है वो इसके वजह से तुम थोड़ा सा उसको सोच नहीं रही हो पर तुम्हें पता है कि ये आज नहीं तो कल करना ही है हाँ ये क्लैरिटी है मुझे कि आज नहीं तो कल करना है एंड बिकॉज आई थिंक आई एम लाइक दैट एज अ पर्सन पहले से ही नेचर पर्सनैलिटी मेरी वैसी रही है Throughout my life, I've been guiding my friends and, you know, giving advices and everything. But, aaj, you know, once I'm going to be 34 next month. So now I do think that, you know, I have a bigger purpose. And I believe 9-to-5 ki job ke alawa bhi life mein aur cheeze honi chahiye. Jisse ki aap koi impact society pe chode. As it is... To add on, spirituality is on the rise. Many young people are now, you know, coming in this field. So maybe it is a different era that is starting. And I hope ki main usme kuch continue, contribute kar paun. Sure. Yeah. Okay, thank you, Shweta. Moving on to other people who are right now in this meeting room. So, you know, those who have covered, I am going to take now. Okay, Mayuri Patel. We will take Mayuri Patel. Unmute Mayuri Patel. But she is not there. Mayuri Patel. Raise. Nice, na, koi dikh nahi raha hai. Hai na? Hanji, hanji. Kya? Mayuri. Yeah, raise okay. Your hand, na. It's simple. You need to raise your hand. मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मयूर जी प्लीज आप एक्सेप्ट करिए हेलो मैम हेलो आत्मवंदन मैं ना अपने पास्ट लाइफ के कर्मा जानना चाहती हूँ कि पास्ट लाइफ के कर्मा क्या है मेरे क्यों जानना चाहती है आप हो गया जो हो गया सो हो गया छोड़ दीजिए नहीं मेरी जर्नी ही ऐसी है कि मुझे पास्ट लाइफ के कर्म क्लीन करने हैं आप एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछिए मैम पास्ट लाइफ के कर्मा कितनी पास्ट लाइफ है कितने सारे कर्मा है एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछिए अच्छा तो मेरा सैक्रल चक्र काफी वुंडेड लगता है तो उसका क्या रीजन है सेल्फ एस्टीम बहुत लो है कॉन्फिडेंस जीरो है और यू नो खुद पे भरोसा नहीं है क्योंकि खुद से प्यार बिल्कुल भी नहीं करते हैं
देना आता है लेना नहीं आता है. थोड़ा वो तो बहुत इश्यू था, उस पर वर्क किया है, आई थिंक अभी भी होगा. अगर आप ये पूछ रही है कि इससे रिलेटेड कुछ पास लाइफ का कुछ कनेक्शन है क्या, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कैसे डालते हैं, देखिए सभी लोग अभी आप जब आओगे ना अगली बार तो आपको ये भी प्रैक्टिस करके आनी है कि हाउ द वे यू आस्क द क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आइए भाई, क्योंकि बाकी के लोगों को भी आपसे कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ अच्छा आंसर मिलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर होगा, है ना. ये सारी चीजें भी हमें जाननी है. एक ही क्वेश्चन आप पूछोगे तो फिर कैसे होगा, राइट. खुद के बारे में भी पूछिए और ऐसा पूछिए कि कलेक्टिव आंसर हो जाए, वो सबके लिए कुछ मिल जाए, गिफ्ट बन जाए आपका क्वेश्चन सीधी सीधी बात में. तो सैक्रल चक्र का लास्ट कनेक्शन, आपके यहाँ पिछले इनकार्नेशन में हस्बैंड के साथ एक्चुअली आप मेल थे वो फीमेल थे, आपने बहुत तकलीफ दी, बहुत तकलीफ दी, बहुत ज्यादा. ऐसा है टॉर्चर किया है. क्या होता है ना दोस्तों, सभी के लिए मैं ये बताती हूँ कि आप जान सकते हो पिछला, पर क्या होता है फिर हम और रिग्रेट में नहीं जाना है हमने. रिग्रेट में नहीं जाना, वो भी एक फिर और लो फ्रिक्वेंसी है. इसलिए मैं जो है वो कहती हूँ कि अभी में जियो और बस मान लो कि भैया कुछ किया था और फॉरगिवनेस पे ज्यादा फोकस रखो, क्योंकि जितना आप डिटेल में जाओगे समझने का, हम कर बैठते हैं, कर चुके हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करता है, पर फिर वो हमें और बुरा लगता है. मेरे साथ ऐसा हुआ है सच कहूं तो, मुझे नहीं जानना था, मुझे हार्डली मुझे पास्ट लाइफ नहीं दिखाई है, पर गलती से मुझे एक पर्सन से जो इश्यू था ना वो मेरी ही खुद की पास्ट लाइफ दिखी मुझे जब महिला ध्यान चक्र में मैं गई, और वो मैंने क्लियरली देखा. देखो सुनना और फिर और देखना और उसमें बहुत अंतर होता है, तो मुझे वो बहुत बुरा लगा जब मैंने वो देखा. तो वो चीज से भी खुद को बाहर निकालना फिर और एक अलग हमारा स्ट्रगल बन जाता है ना. तो सिंपल सिंपल रास्ता है, क्योंकि मैंने ही वो डाला था थॉट कि भाई ये जानना है यार ऐसे क्या किया था मैंने. ये एक नॉर्मल हमारा एक्सप्रेशन होता है जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं ना हमारे खुद की करंट प्रॉब्लम से, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, ऐसा क्या किया था यार मैंने ये व्यक्ति के साथ में, बताओ जरा, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन आ जाते हैं हमारे. और अगर वो गलती से दिखा दे जैसे मैंने मुझे दिखा दिया बाद में, मैंने कहा क्यों बताया. क्योंकि अच्छा नहीं लगता हमें खुद को ही बुरा लगता है. सो जस्ट फोकस ऑन फॉरगिवनेस, एक्सेप्ट व्हाट इट इज, एक्सेप्ट व्हाटएवर इट वाज, कट इट डाउन, कट द कॉर्ड्स, रिलीज योरसेल्फ. ये जन्म में खत्म करना है जो कुछ भी था, बस इतना ठान लो, फॉरगिवनेस स्टार्ट करो, हर दिन करो, 2 महीने करो, 3 महीना करो, ना थकते हुए करो, ग्रेटिट्यूड दो, लव एंड लाइट भेजो, बस खत्म कर दो ये जन्म में जो भी किस्से हो. सिंपल. ओके थैंक यू. नेक्स्ट लक्ष्मी. लक्ष्मी जी आप लास्ट सेशन में थी क्या? अगर लास्ट सेशन में होगी तो हम आपका क्वेश्चन नहीं लेंगे. Priya ma'am, yes. You have taken name Akanksha from Meerut. Actually, she has raised hand but unmute नहीं किया. आपने उनका नाम अनाउंस किया था क्या? नहीं, आकांक्षा का तो नहीं किया. ले लेते हैं हम. हेलो मैडम. हेलो. हेलो. हाय, दिस इज आकांक्षा. I think there's somebody else also who's unmute. So ma'am, I have the problem of gallbladder stones, and it has been since 2 years I'm having this issue. And I've tried multiple alternative therapies like homeopathy and Ayurveda. But meri problem ja nahi rahi hai, gallstones finish nahi ho rahe hain. Allopathy mein there's only one cure they have, they remove the complete organ, which I'm not okay with. So, अब 2-3 साल हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, what should I do? Is there any cure? Is there any help through
through akashic records if possible. Yeah, अगर आप थोड़ा सा अल्टरनेटिव सी अल्टरनेटिव जो मेडिसिन होती है ना उसमें ये सारा कुछ जो है आपका आसानी से हो सकता है. बट लाइक यू नो मैम दिस इज लाइक यू नो क्वाइट अ पर्सनल सो वी हैव टू डिग 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 डीप एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वे. सो फॉर दिस यू नीड टू कनेक्ट टू मी पर्सनली. कोई जनरल क्वेश्चन होता था तो मैं आपको तुरंत आंसर देती थी. हाँ जी श्योर श्योर आई डू दैट. यू हैव टू कनेक्ट टू मी पर्सनली फॉर दिस क्वेश्चन एंड श्योर वी कैन फाइंड आउट द आंसर बिकॉज़ देयर आर सॉल्यूशंस ऑन एवरीथिंग. अच्छा ठीक है. सो मैम डू यू थिंक आकाशिक रिकॉर्ड में देयर इज अ सॉल्यूशन और डू यू थिंक दैट यू नो अल्टरनेटिव थेरेपी में देयर वुड बी अ सॉल्यूशन. देयर आर मेनी थिंग्स लाइक देयर इज आकाशिक हीलिंग व्हिच इज अ कंप्लीट डिफरेंट पार्ट एक्चुअली ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स. क्वांटम आकाशिक हीलिंग वी कॉल इट एज. एंड अपार्ट फ्रॉम क्वांटम आकाशिक हीलिंग लाइक इफ यू कंबाइन वन और टू थिंग्स टू यू नो वर्क ऑन इट परफेक्टली देन इट विल गो बेटर एक्चुअली. अच्छा ठीक है. ठीक है मैम. सो आई विल कनेक्ट विद यू पर्सनली देन. या ओके. सो वी विल मूव ऑन टू मीनाक्षी जी. तो हो चुके हैं मैंने उनसे लिया है. एंड देन मयूरी अभी हुआ है. मयूरी का और कौन कौन है अभी. हर्ष सचदेवा. आकांक्षा का अभी हुआ है. ओके पूछिए. हाँ जी मैम. मेरे को एंजाइटी का बहुत इशू है कि ना मैं पब्लिक के सामने कभी बोलना पड़े कुछ है तो मैं शिवर करना शुरू कर देती हूँ अंदर से. ना मेरे को घबराहट होती है. बट वन टू वन ये अभी थोड़ा ज्यादा हो गया है. जब से मैंने आना पाना सती 2 साल से ट्राई किया ना अब मैं बिल्कुल ही बहुत जल्दी ये होने लग जाता है मेरे को ना. आना पान सती कब से कर रहे हैं आप ये बताइए. आना पाना सती तो 2 साल होने वाले हैं. और ये आपको इशू कब से हो रहा है. ये मेरे को शायद बहुत ही साल हो गया. मैं बता नहीं सकती कि मैं पब्लिक के सामने कभी बोलना पड़े या आनापान सति मेडिटेशन स्टार्ट करने के बाद आपको कुछ चेंजेस नहीं नजर आया. आपका कहना है कि आनापान सति के पहले से ये इशू था. पहले था लेकिन अब मुझे लग रहा है ज्यादा हो गया. अब ये नहीं मैं कह सकती कि आनापान सति की करने के बाद हुआ है लेकिन अब कुछ टाइम से ज्यादा हो गया. अभी भी मैं कोई ऐसी घटनाएं आपके जिंदगी में घट रही है पर्सनल लाइफ में जिसके वजह से ये बढ़ रहा है ऐसा लगता है आपको. क्या लगता है. नहीं मेरी लाइफ तो बड़ी स्मूथ चल रही है. ऐसे अभी भी मैं बात कर रही हूँ ना ऐसे लग रहा है जैसे हार्ट मेरा यहाँ तक आ रहा है घबराहट से. ये क्यों होता है मेरे साथ तो समझ. वैसे मैं ये क्या है जब हमारे कर्म ऐसे सुपरफिशियल लेवल पे आते हैं ना स्तर पर ऊपरी स्तर पर आते हैं और फिर वो अभी निकलने के लिए तैयार होते हैं तो कुछ कुछ लोगों को ये सिम्टम्स आते हैं. और ये इस वक्त क्या होता है कि आपको या तो मेडिटेशन बढ़ाना होता है या कंटिन्यू रखना होता है. क्योंकि क्या होता है ऐसे स्टेज पे आके हम लोग क्या है ना वो मेडिटेशन करना भी छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं क्योंकि हम अलग स्थिति में चले जाते हैं ना. हमें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्यों हो रहा है क्या करे. कई बार तो ऐसा होता है कि दवाइयां भी असर नहीं करती या आप कुछ भी करो तो नहीं असर होता या फिर कभी कभी ऐसे भी लगता है यार ये आनापान सती ध्यान का मुझ पर असर ही नहीं हो रहा आजकल पता नहीं क्यों ऐसा क्या चल रहा है मेरे साथ में. पर ऐसा नहीं है. इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी बॉडी. इट्स ऑल अबाउट योर इमोशनल बॉडी. अगर आपका कहना ये है कि आपकी आपकी अभी फिलहाल की जिंदगी में आपके पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज नहीं चल रहे जिससे आप इमोशनल इम्बैलेंस फील करे तो ऑब्वियसली दिस आर योर कर्मास विच आर कमिंग बैक फ्रॉम योर पास्ट लाइफ और ये क्लीन हो रहे हैं. ये ऊपर ही स्तर पर आ रहे हैं क्लीन हो रहे हैं और आ रहे हैं और हो मतलब क्लीन हो रहे हैं ऐसा कुछ महीने चलेगा और फिर ये अपने आप हमेशा के लिए चला जाएगा. मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ. मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत ही इससे डिक्लेयर कर सकती हूँ सबको कि आई एम द ओनली पर्सन. ऐसा मुझे बोलने के लिए कोई हर्ज नहीं है कि जब मैंने आनापान सति मेडिटेशन स्टार्ट किया था मुझे बचपन से एसिडिटी का इश्यू था. मैंने आनापान सति मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो मैं तो पत्री सर से नहीं मिली थी ना मुझे किसी ने सिखाया था पर वो ऑडियो चलता था उनका वो सेंटर में पत्री सर का ऑडियो गाइडेड मेडिटेशन. तो उसमें वो हमेशा ये कहते थे कि देखो प्रॉब्लम्स आएंगी तकलीफें होगी दर्द होगा पर तो भी ध्यान नहीं देना आगे बढ़ना है. और मैं आपको बताती हूँ
एक नॉर्मल व्यक्ति को ध्यान करने के लिए क्या लगेगा? ओके, ज्यादा से ज्यादा किसी को बुखार आया होगा, कुछ होगा। मुझे पूरे के पूरे सवा से डेढ़ महीने तक या तो उल्टी होती थी या लूज मोशन होती थी। ऐसे डेढ़ महीने तक किस्सा चलता रहा। मतलब मेरे घर वालों ने कहा, रे ये क्या है, ये कैसा मेडिटेशन है, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा ये हो रहा है, बहुत सही हो रहा है, क्योंकि मैंने ठाना था जैसे पत्री सर के शब्द मेरे कान पे गिरे थे कि पकड़ के रहना, छोड़ना नहीं, पीछे हटना नहीं, आगे बढ़ना। सोचिए क्या क्लींजिंग हो रही होगी उस वक्त। मतलब एवरी अल्टरनेट है, या तो मुझे उल्टी होगी या तो मुझे लूज मोशन लगेंगे दो दो तीन तीन, पर मैंने छोड़ा नहीं, मैंने पकड़ के रखा। ऐसे डेढ़ से दो महीने तक किस्सा चला। फिर तीसरे महीने से मुझे एसिडिटी हमेशा के लिए मिला। पकड़ के रखते आना चाहिए, जिद से। और मेरे गुरुजी ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर, वो कहते हैं मुझे एक ही चीज, जिद चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए जिद चाहिए। और थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि मुझे इस तरह से आंसर देने बड़े ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये आंसर्स लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। यू नो, योर क्वेश्चन इज बिकमिंग अ मैसेज टू समवन, योर क्वेश्चन इज बिकमिंग अ गिफ्ट टू समवन। बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना आपके जैसे इशू, पर वो पूछ नहीं पा रहे होंगे। अब कल जाके कोई ये वीडियो बाद में देखेगा PSSM इंडिया यूट्यूब चैनल पे, तो उनको कितना फायदा होगा, तसल्ली मिलेगी कि भैया। तो ऐसे वक्त हमें क्या करना है, अपने आप को तसल्ली देनी है और कहना है मेरे साथ जो हो रहा है एकदम बढ़िया हो रहा है। क्योंकि मैं ऐसे ही खुद को कहा करती थी, मैंने बहुत बढ़िया हो रहा है। मैंने मेरे हस्बैंड को एक ही आंसर दिया, नहीं नहीं यही सही है, जो हो रहा है ये सही हो रहा है, मेरे साथ सही हो रहा है, ये आंसर देती थी मैं। और ठान लिया था कि भाई निकलना है, इस चीज से निकलना है। कितने जन्म में बैठे रहेंगे ऐसे ही हमेशा की है। ये क्या, ये जन्म की थोड़ी हमने एंजाइटी के पहली बार थोड़ी फील किया, तो एंजाइटी बड़ी है, आप बड़ी बताइए। अच्छा एक चीज और है कि ना, मैं 2007 नहीं, एंजाइटी बड़ी है, आप बड़ी बताइए। नहीं मैं बड़ी। हाँ कैसा लगा अभी आंसर, अच्छा लगा कि नहीं लगा? मेरी थोड़ी सी घबराहट कम हो गई है। हो रही कि नहीं हो रही, कॉन्फिडेंस आ रहा है। नहीं तो मैं अपनी बात ही नहीं रख पाती थी। और जूम सेशन ज्ञान भारत का अटेंड करती हूँ, मैम ने कई बार बोला लेकिन मैं बोल ही नहीं पाती थी, आज ही बोली। पर देखिए अर्ष जी, आपको मुझे यहीं पे रुकना होगा क्योंकि बाकी के लोगों को भी मुझे लेना है। आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक ओनली टू क्वेश्चंस, क्योंकि हमें आकाशिक हीलिंग का जो हमारा पार्ट है उसे भी ऑन करना होगा। हम हमारा मैक्स टू मैक्स 1 आवर का होता है, बट तो भी हम 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लेते हैं। ओके तो थैंक यू सो मच। वैसे आप कौन सी सिटी से है? दिल्ली से। और हमेशा जब भी ये ऐसे आएगा ना, क्योंकि मुझे पता है ये ऐसे आता है, तो खुद को पूछना एंग्जाइटी बड़ी या मैं बड़ी, फिर आएगा आंसर मैं बड़ी, फिर वो ऐसे बैठ जाएगा चुपचाप बच्चे जैसा। ओके ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। हाँ नेक्स्ट हम किसे लें? त्रिचंद धमीवाल, आपका क्या क्वेश्चन है, पूछिए जल्दी फटाफट। हेलो, हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए आपका नाम क्या है, आप कौन सी सिटी से हैं? मैम मैं आरती धमीवाल दिल्ली से बात कर रही हूँ। ओके बोलिए। हाँ जी मैम, मैम मेरा एक क्वेश्चन था मेरी हेल्थ को लेके। तो मेरे को ऑस्टियोपेट्रोसिस है, मार्बल बोन डिजीज, जो कि बहुत रेयर है। अच्छा। और मैं जब 10 साल की थी तब डायग्नोस हो गया था, और अभी मैं 36 इयर्स की हूँ, आई एम सिंगल। और तो उसके बारे में पूछना था, ऐसा क्या कर्मा है, क्या मुझे लाइफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहिए, ऐसा क्या कर्मा है जिसकी वजह से ये डिजीज जो मुझे हुआ, और जिसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं बताते हैं डॉक्टर, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। देखिए आपका ये जन्म का चैलेंज जिस तरह आपने ये बताया, मैं इतना जरूर बताऊंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे गहरे आंसर्स हैं, पर तो भी ये आपको ऊपर से आ रहा है, आपके गाइड्स आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपने यही जानना पहले बहुत जरूरी आपके लिए कि आपका ये जन्म का आप चैलेंज लेके आई थी ये, और आपको आपका चैलेंज ये है कि आपको खुद को हील करना है, और खुद को हील करके आपके जैसे लोगों को जो है वो उनको गाइड करना है उनकी हीलिंग के लिए। एंड यू कैन डू इट, ऐसे आपके आकाशीय गाइड ये कह रहे हैं।
भले ही इसका इलाज नहीं है पर इलाज आपके पास है, आपके अंदर छुपा हुआ है, फिर उसके लिए आपने कितनी अब तक चीजें की है ये आप खुद ही देखिए, बैठिए, आपको सब कुछ करना है, आपको इनर चाइल्ड से लेके पास्ट लाइफ रिग्रेशन से लेके आपको जो डिस्पेंसर की किताबें पढ़ने से लेके आपका लुइस हे का जो है हीलिंग का यू कैन हील योर लाइफ पढ़ने से लेके हर वो चीज करनी है, हर वो जद्दोजहद करनी है, ऐसे पूरा जो है अपने आप को झोंक देना है उसमें, क्योंकि आपको यही करना है, आपकी जिंदगी का पहला पर्पस यही है, तो आप पहले इसमें से मूव ऑन नहीं करेंगे क्योंकि नाउ यू आर 36, अब तक हो जाना चाहिए था, ऐसे आपके आकांक्षी गाइड कह रहे और कह रहे कि टेक इट, टेक दिस एज अ चैलेंज, उठाओ इसको, कंप्लीट करो, आगे जाना है आपका, मतलब लाइक यू नो यू आर लिविंग योर लाइफ, आपका बहुत अच्छा अच्छा उम्र है, मतलब लाइक यू नो अच्छी उम्र लिखी हुई है आपके किस्मत में, अच्छे से जियो बोल रहे हैं, ये चैलेंज करके उठाओ और आप ये कर सकती हो, और जो जो कुछ आप कर सकते हैं, जो जो सीख सकती है आप वो सीखिए, अगर आप डेली फॉरगिवनेस नहीं कर रही है तो डेली फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट कीजिए जो आपको जिंदगी भर करनी है, मैं खुद हर दिन फॉरगिवनेस करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन मैं दो दो तीन तीन बार करूँ अभी भी, है ना, कीजिए ये सीरियसली, इसको लीजिए, ये आपका जिंदगी का पहला पर्पस है। हीलिंग का सोचा हुआ है कि पहले हीलिंग उसमें जाना चाहिए कि मुझे कुछ सीखना चाहिए ताकि जो और लोग हैं उनसे मैं जुड़ पाऊं, चाहे वो कैसे भी हीलिंग हो, मेंटल हो, फिजिकल लेवल पे हो, किसी भी तरह की हीलिंग हो, तो थैंक यू फॉर टेलिंग मी दिस कि आपने ये चीज लेके आए मेरे सामने कि हीलिंग में जाना, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ ऐसा कोर्स करना चाहिए जहाँ पे मैं अपने आप को हील कर सकूं, जहाँ पे फास्ट करेगी आप, मैं ये भी बताती हूँ आपके आकर्षित गाइड कह रहे हैं आप बहुत फास्ट करेगी, पर आपने अब तक बस डिसाइड ही नहीं किया था, एज अ चैलेंज उठाओ, खत्म करो, कंप्लीट करो, चिल्ला रहे हो आपके ऊपर। मैम 2017 में ही मेरी जो किस्मत आकर्षिक रिकॉर्ड्स हैं जो भी हैं वो मेरे को मेरे पैशन, मेरा जो लाइफ का इस गोल है वहाँ पे लेके आए, मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की, नाउ आई एम वर्किंग एज एस्ट्रोलॉजर और मैं काम भी कर रही हूँ, अब मैं हीलिंग चाहे मैं कैसे भी दे रही हूँ बट मुझे लगता है कि अब थोड़ा और बढ़ाना चाहिए अपने इस चीज को, क्योंकि हीलिंग के कुछ अपने यू नो अपना सीखूंगी तो लोगों को भी समझ आएगा, मुझे भी समझ आएगा कि बेसिकली मतलब करना क्या है इस लाइफ में। यस नहीं, आपका पहला पर्पस है और एवरीडे इमेजिन करो कि आप चिल्ला चिल्ला के बता रही हो। मैम आपसे गाइडलाइन मिल सकती है कि पहले क्या स्टेप होगा मुझको करने का, क्या करना है, अगर आप आपसे मेरी बात हो सके कुछ पर्सनल उस वैसे। ठीक है, देखते हैं हम इस पे बात करते हैं, आप मुझे एक बार पिंग कीजिए, देखते हैं कोशिश करते हैं कैसे गाइडेंस, क्योंकि ये ऊपर से आएगा, अगर आएगा तो ऊपर से ही आएगा, अगर आ रहा है तो मैं जरूर आपसे कनेक्ट करूंगी। ओके यस, एक बार पिंग कीजिएगा मुझे और आपका क्वेश्चन लिख के भेजिएगा, क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा कि कौन सा नाम कौन व्यक्ति क्या है। यस मैम, ये मेरे फादर है टेकचंद धेमीवाल, मैं उनकी बेटी आरती धेमीवाल, तो वो बात करेंगे। नमस्कार मैम, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, कैसी है मैम? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया मैम, बहुत अच्छे हैं। मैम मैं भी एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ और मैं जो ये सोच पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से? आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से आकाशिक गाइड ये कहते हैं कि अपने आप पर भरोसा करना सीखे। प्रश्न गलत पूछा है आपने, आप ये कहेंगे कि मैं कितना अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ। हाँ जी, आपने ठाना है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड का बेसिक फाउंडेशन ये है दोस्तों, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप आपके आकाशिक रिकॉर्ड एनी मोमेंट बदल सकते हैं, जो आपको बेटी को बताया गया ना, दैट इज दैट शी इज गोइंग टू चेंज हर आकाशिक रिकॉर्ड। Okay. और आप जरूर बन सकते हैं, खुद को कहिए ये। ठीक है मैम, धन्यवाद। और मैम एक और है, मेरे से ना डोनेशन नहीं होता। हाँ जी, डोनेशन। हाँ, दिल खुला नहीं होता है। नहीं, दिल डोनेशन के लिए दिल खुला नहीं है मैम। एक्चुअली मैं एक किसी से लोन भी नहीं लेता, एक रुपया लेता भी नहीं मैं, लेकिन मैं डोनेशन के लिए मैं ना मेरे हर जगह हाथ रुक जाते हैं। अगर मैं 100 रुपए के सोच के चलूंगा ना तो मैं हो सकता है 10 ही रुपए डोनेट करूँ। देखिए, मेरी एक स्टूडेंट है, उसने अपना किस्सा बताया था, अपने अभी बोला है तो
शी इज अ श्रीलंकन बेसिकली एंड शी इज फ्रॉम दुबई. तो उसने कहा था कि उसे कुछ बिजनेस में इश्यूज चल रहे थे. तो उसने क्या किया, मतलब देखिए आप स्पिरिचुअली आप एक्टिव हो अच्छी बात है, आप ध्यान हो अच्छी बात है, पर आप आपकी जिंदगी में इसको कितना फायदा उठा रहे हो आपके ज्ञान का, यहाँ पे मेन गेम होता है. और मुझे इतना अच्छा लगा वो सुन के. उसने कहा कि प्रिया मैम मैंने क्या किया, जब उसको लग रहा था कि नहीं बहुत ही इशू लाइक हो रहा है बिजनेस में फंड्स के लिए और हर चीज के लिए रुका सा है या स्टक हो गया है, उसने तुरंत अपना स्पिरिचुअल नॉलेज वहां यूज किया. और उसने कहा कि उसने कुछ अमाउंट जो है वो फट से जो है वो डोनेट कर दी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को. उसने वो अमाउंट डोनेट कर दी. उसने कहा विद इन 3 वीक्स मैंने मेरे प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया और लिटरली वो मल्टीप्लाई होके मेरे पास आए विद इन 3 वीक्स. उसने कहा मैंने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. बताइए उसने अपना स्पिरिचुअल नॉलेज वहां यूज किया. हमारा अंदर का कुछ होता है रेजिस्टेंस, उसको छोड़ना है और हमारे ज्ञान को अपनी निजी जिंदगी में इस्तेमाल करना है, उसे उपयोग में लाना है. तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ये बातें करने के लिए. मैं आपके लिए ये नहीं बैठी हूँ कि ये ज्ञान है, ये कंसेप्ट है, ये थ्योरी है, कोई मुझे नहीं बतानी है. आप भी मुझे मत बताइए कि आपने कितनी किताबें पढ़ी है. आप मुझे ये आके बताइए कि मैंने ये पढ़ा, ये इम्प्लीमेंट किया, ये रिजल्ट है, अब बता. तो सर आपको करना है, आप जरूर करोगे, मुझे पता है. अगली बार आप आओगे सेशन में और बोलोगे मैडम मैंने वो किया जो मैंने अब तक नहीं किया था और मैं वो करके आया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे ही आप बोलोगे, मुझे पूरा विश्वास है. ठीक है मैम. एक्चुअली क्या सोर्स ऑफ इनकम तो मैं ही हूँ, तो वाइफ डोनेट करती है, तो वो क्या वो दोनों में शेयर होगा या उन्हीं का है? नहीं नहीं कीजिए ना 10% आपका भी करके देखिए एक बार. ठीक है मैम. ठीक है. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. ओके नो लास्ट पर्सन रजनी. यस रजनी. हेलो मैम. अनम्यूट का ऑप्शन दिया है. हाँ जी हाँ जी. आत्मबंधन मैम. आत्मबंधन अपना कैमरा ऑन कीजिए. ओके अभी तक तो ऑन था. हेलो. हाँ जी मैम. मैं एक्चुअली फर्स्ट ये दिस इज माय फर्स्ट सेशन. मेरे को पहले ये पता ही नहीं है ये होता क्या है, तो मैंने चैट में भी यही डाला था कि दिस इज माय फर्स्ट सेशन, यू शुड इंट्रोड्यूस योर टॉपिक आकाशिक सेशन. अरे मैंने एक्चुअली अभी तक चैट बॉक्स खोला ही नहीं है. सुप्रिया जरा पढ़ लो एक बार और कुछ इम्पोर्टेंट होगा किसी ने लिखा हुआ तो बताओ मुझे. तो बेसिकली आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस सेशन की इसमें ये आकाशिक नॉलेज ये क्या है, थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए. ओके तो देखिए आकाशिक रिकॉर्ड जो है ये एक बुक होती है जो 11 डायमेंशन पर प्रेजेंट होती है. ठीक है इसे हम एक्सेस करते हैं हमारी साइकिक पावर से. इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक आत्मा का सब कुछ लिखा जोखा. आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी जिंदगी में क्या घट रहा है, अपने पिछले कितने जन्म लिए, कौन से जन्म थे, क्या किया था, कौन से कर्मा है, अगले जन्म क्या हो गए, लेकिन योर फ्यूचर लाइफ, योर इमीडिएट फ्यूचर, आपके जिंदगी में क्या होगा, आपका सोल प्लान क्या है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या करना चाहिए, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे खत्म करना है. पर इसकी खासियत, इसकी सुंदरता ये है कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कुंडली होती है, तो कुंडली जो है वो बनती है आपके डेट ऑफ बर्थ प्लेस और टाइम के हिसाब से, है ना, आपके नाम के हिसाब से वो कुंडली बनती है. पर इसमें ऐसा होता है कि जैसे कुंडली बन रही है 25 साल की मैं हो गई हूँ, मेरी जिंदगी में बड़े ही दुख दर्द यातना सारा कुछ हो रहा है और मैं उनके पास गई पंडित जी के पास जिन्होंने मेरी कुंडली बनाई. मैंने कहा पंडित जी मुझे ना ये पसंद नहीं आ रही आपकी बनाई हुई कुंडली, मजा ही नहीं आ रहा है जिंदगी जीने में, तो एक काम कर दीजिए आप, मैं आपको पैसे देती हूँ, आपकी फीस देती हूँ, अब मेरी जरा कुंडली मेरे हिसाब से बना दीजिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए, तो आप जो है वो बना दीजिए. तो वो बोलेगी नहीं बेटा नहीं हो सकता है. हो सकता है क्या बताइए, नहीं हो सकता. वो बोलेंगे कि तुम ये लेके आई हो किस्मत तुम्हारी,
मैं बोलूंगी नहीं नहीं मुझे तो ऐसा ही पति चाहिए, वो आपकी बनाई हुई कुंडली में क्या लिखा है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है ना। आप बोल रहे थे कि बेटा 7.5 ही रहेगी, 7.5 साल, मैं पिछले 12 सालों से 7.5 ही देख रही हूँ मेरी जिंदगी में, कब खत्म होगा ये सिलसिला? तो वो बोलेंगे ये ऐसा ही लिखा है, ये इसी तरह बना है, अब ये बदल नहीं सकता, ये अभी अगले जन्म में तुम्हारा नया होगा। बट आकाशिक रिकॉर्ड ये है कि अगर आकाशिक रिकॉर्ड आपके आकाशिक गाइड के पास आप जाओगे और बोलोगे कि आकाशिक गाइड अब तक लिखा था ठीक है मैंने जिया भी, पर अब तो मैं तैयार हूं, अब कुछ नया चाहिए, तो आकाशिक गाइड बोलेंगे ओके बताओ क्या चाहिए। सो इट्स अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बेस्ड है ये, और आप कभी भी आपके आकाशिक रिकॉर्ड किसी भी उम्र में किसी भी वक्त किसी भी विकट स्थिति में बदल सकते हो। यू जस्ट नीड टू कंप्लीट योर लर्निंग्स, और सिंपल होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बस आपको तैयार होना होता है ना, लेन देन करने के लिए तैयार होना होता है, आप बस जाना है पूछना है चलो बताओ क्या क्या बाकी है, मैं करती हूँ, अब ये बदलो, ये पूरा बदलो, हटाओ इसको, अब मुझे इस तरह चाहिए। और मैं आपको बताती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड बदलते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होते हैं, और सच में लोग बदलते हैं, स्थितियां बदलती हैं, आप बदल सकते हो आपकी किस्मत, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। और पत्री जी की भाषा में, मैं भगवान हूं, आप भगवान हैं, हम सब भगवान हैं, भाषा अलग अलग है, कंसेप्ट वही है, और ये आकाशिक रिकॉर्ड है, और ये आकाशिक रिकॉर्ड जो लॉर्ड्स ऑफ आकाशा है उन्होंने खुले कर दिए सबके लिए, जो जो इसे एक्सेस लेना चाहता है, जो जो अपनी किस्मत बदलना चाहता है, जो जो कुछ करना चाहता है वो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, उसके लिए तो हम ये सारा फ्री सेशन रख रहे हैं, ये ज्ञान बांटने के लिए, ये बताने के लिए कि देखो ये ऐसा कुछ अवेलेबल है आप सबके लिए धरती पर, आप फायदा उठाओ ना इसका। क्यों 10 लोगों के पास जाना, मैं तो ये कहती हूँ क्यों 10 लोगों के पास जाना, क्यों आपने मेरे पास आना प्रश्न पूछने के लिए, खुद के खुद आकाशिक रिकॉर्ड ओपन कीजिए, वो आपके दोस्त है, आपके आकाशिक गाइड सबसे बेस्ट फ्रेंड, और वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे आपके जिंदगी के बारे में, तो वो कैसे पॉसिबल है, हम कैसे, आपको खुद को वो सीखना है, आपको वो खुद को सीखना है, और कनेक्शन बनाए रखना है, हर दिन बात करनी है, हर दिन कम्युनिकेशन, एक बार सीखना है, एक बार वो एक्सेस लेना है आपने, फिर तो आप है और आपके आकाशिक रिकॉर्ड, आप जिंदगी भर के लिए इंडिपेंडेंट हो। क्या तरीका है वो तो जानना है ना आपसे। हाँ नहीं तो अभी इस बार तो मैंने ये फ्राइडे और सैटरडे को मैंने रखा है, जो 3-3 घंटे का 2 दिन का वर्कशॉप है, जिसमें हम यही सिखाने वाले हैं कि खुद के खुद कैसे ओपन करने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे करना है, मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज के साथ ये करते हैं, क्योंकि विदाउट एनर्जी एक्सचेंज ये चीज नहीं होती है, तो मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज के साथ हम सिखाते हैं, और हम सबको सिखाने के लिए ही यहाँ पे है। जो जो लोग इंटरेस्टेड है आप लोग अपने कॉन्टैक्ट, मतलब मुझे पर्सनली पिंग कीजिए, मैं फिर से एक बार जो है मेरा नंबर जो है यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग शायद बाद में ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया था सेशन के स्टार्ट में। तो अरे ये डायरेक्ट मैसेज चला गया, एक मिनट में सबको लिखती हूँ। मैम ये पेड सेशन होगा ना वर्कशॉप? हाँ इसमें एनर्जी एक्सचेंज होगा, मिनिमल होता है, तो जूम पे हो सकता है कि जूम पे ही होता है ये, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आते हैं और सीखते हैं। ओके सो हम काफी अभी आज लेकिन हमारी घड़ी 5:14 हो चुके हैं, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यही रुकाते हैं अगली बार के लिए। दोस्तों प्लीज अपने रजिस्ट्रेशन पहले ही तैयार रखिए, मुझे पर्सनली कनेक्ट कीजिए, आपके क्वेश्चंस अगर आपको अगली बार लेने हो, अलग अलग बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ आइए। रिमेम्बर योर क्वेश्चन विल बिकम अ गिफ्ट टू समवन एल्स। ओके इस तरह आप आइए और हम अलग अलग और चर्चा करेंगे, और बहुत ही मजा आती है, सब लोग इसे देखे, ये जो है इसको शेयर कर सकते हो आप, ये YouTube की लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताइए,
कि वो भी इसका लाभ ले, प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग आके यहाँ पे, वन पर्सन पर पर्सन वन क्वेश्चन देयर विल बी। ओके, तो अभी हम मूव ऑन करते हैं, अभी हम मूव ऑन करते हैं हमारे आकाशिक हीलिंग के लिए। तो मैं हर सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, और हाँ दूसरी बात ये कि अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है, जैसे कुछ प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल भी क्वेश्चंस होते हैं डेप्थ वाले, तो आप उसके लिए मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। तो लाइक वी हैव पर्पस बेस्ड रीडिंग, मैरिज रीडिंग, रिलेशनशिप रीडिंग, बिजनेस रीडिंग, फाइनेंशियल रीडिंग, करियर रीडिंग, मैच मेकिंग, है ना, तो ऐसे बहुत सारे हैं, स्पिरिचुअल रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, तो आप मुझे उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। मैंने मेरा नंबर जो है वो चैट बॉक्स में जूम के लिख के दिया है, और अभी मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने आकाशिक गाइड से कनेक्ट कीजिए, अपने आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट कीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए अपने बॉडी को, शांत बैठिए, एकदम शांत। आज हम क्विक मेडिटेशन लेंगे, ज्यादा देर नहीं लेंगे, और शांत। कहिए मैं तैयार हूँ अपने आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट करने के लिए, मैं तैयार हूँ अपने आकाशिक गाइड से कनेक्ट होने के लिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मैं इस ऊर्जा से कनेक्ट हो रही हूँ। और बस आखिरी सेंटेंस कहिए, आई एम ओपन, आई रिसीव, आई एम ओपन टू रिसीव, मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, मैं ओपन हूँ, जो कुछ भी वो देना चाहते हैं मैं कृतज्ञता पूर्वक उसे स्वीकार करती हूँ। आई रिसीव with gratitude in my heart, whatever they want to give to me.
आंखें बंद ही रखें, लास्ट 2 मिनट्स. अपने सांसों पर ध्यान दें. ओके, धीरे धीरे देव वापस आइए, अपने सांसों पर आइए, धीरे धीरे आंखें खोलें. मैं सभी को धन्यवाद दूंगी. मैं धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि वंदन करती हूँ लॉर्ड्स ऑफ आकाशा को, आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स और गाइड्स को. मैं धन्यवाद देती हूँ सभी गुरुओं को, सभी देवियों को, सभी गॉडेसेस को, शंबला मास्टर्स को. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि वंदन सबको. और जो YouTube चैनल पे हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद. So 11 are watching right now. Let me check chat box. और ये chat box जो है, संकरी रमनी, please add me in this group. आरती त्रिवेदी, प्लीज ऐड मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप वेयर जूम सेशन लिंक आर शेयर्ड. नम्रता एमपी, कैन यू प्लीज ऐड मी इन दिस ग्रुप. आप जो है, मैं यहाँ पे लिख के भेज रही हूँ अभी, क्योंकि देखिए ये चैट बॉक्स जो है ये चला जाता है बाद में. ईमेल आईडी में शेयर कर रही हूँ. ये ईमेल आईडी पे जो है आपको मुझे मेल करना है, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल भेजने हैं. ओके, आया. देखिए, हाय मैम, हेमा फ्रॉम बैंगलोर, रितेश कत्रिया, हाय हाय रितेश, आकाश मैम का यूट्यूब में भी दीजिए नंबर, यूट्यूब में भी दीजिए. अच्छा चलो, चैट बॉक्स ओके, ये भी शेयर किया. देखिए दिख रहा है, कहाँ है आकाश. ज्योति मिश्रा, प्लीज ऐड मी इन दिस ग्रुप. मेरी लाइफ पर्पस क्या है, फ्रॉम छत्तीसगढ़, ये क्या है प्लीज बताइए. जैबी खान, ये क्या है. और आकाशिक रीडिंग, नम्रता, कैन यू प्लीज ऐड मी इन दिस ग्रुप.
तो सभी को मेरा नमस्ते, सभी को धन्यवाद। अभी 13 लोग हैं लाइव यूट्यूब चैनल पे, और मैंने यहाँ पे अभी ज्योति मिश्रा जी अभी तो मैंने लिख के भेजा है ऊपर चैट बॉक्स में, देखी है ना, दिख रहा है pj888444@gmail.com मैंने ये लिखा है मेरा ईमेल आईडी। और अनीता देखिए आप लोग जो है जूम पे जो लोग है जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं अभी आप लोग, आप मैंने यहाँ पे मेरा नंबर शेयर कीजिए, आप मुझे पर्सनली पिंग कीजिए, आपको जो है हम ऐड कर देंगे ग्रुप में। अमित श्रीवास्तव, अनीता जी है ना, निर्मल मेहता तो है, आप तो है ऑलरेडी, ठीक है। और मैं जो यूट्यूब चैनल के लोग हैं मैं उनसे बात कर रही हूँ अभी। सरिता दास प्लीज ऐड मी इन दिस ग्रुप। नो मैम, क्या नो मैम? ईशु श्रीवास्तव, सरस्वती जी, नो मैम क्या, आप क्या लिख के भेज रहे बताइए। मैंने अभी नंबर भी शेयर किया है मेरा, और मैंने ईमेल आईडी भी लिखा है ऊपर, देखिए मैं फिर से एक बार लिख के भेज रही हूँ मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, इस पे आपको पिंग करना है। वंश शर्मा, ज्योति मिश्रा, अभी मैंने डिक्लेयर किया है, अभी मैंने नंबर बताया है, ओके 9529245516 pj888444@gmail.com ये ईमेल है, ओके। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, कुछ चीजें आपको बतानी थी फटाफट, वो ये है कि आज रात को हमारा मेडिटेशन है, हमारा लाइट लैंग्वेज कम्युनिटी मीट है, और पूर्णिमा ध्यान है, पर ये पूर्णिमा ध्यान बहुत ही अनोखा होगा आज रात का 9:30 बजे। वो इसलिए क्योंकि हम लाइट लैंग्वेज मेडिटेशन लेने वाले हैं, कई सारे लाइट लैंग्वेज मास्टर जिन्होंने मुझसे सीखी है लाइट लैंग्वेज, ऐसे कलेक्टिव लाइट लैंग्वेज मेडिटेशन होगा। तो आप सबको मैं इनवाइट करती हूँ, आप सब कृपया रात को जो है वो मेडिटेशन के लिए आप कनेक्ट कीजिए, बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन होता है ये। यही हम ऐसा करेंगे, इसी सेम लिंक पे ही हम आज रात को 9:30 बजे मिलेंगे, ताकि क्योंकि ये लिंक सबके पास है राइट, तो इसी लिंक पे हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हर किसी को फिर से पर्सनली भेजना पॉसिबल नहीं है। और जो लोग यूट्यूब चैनल पे जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं रात को 9:30 बजे वो लोग मुझे पर्सनली पिंग करें और कनेक्ट कीजिए, पूर्णिमा ध्यान है। तो हम जो है वो क्या करते हैं अंदर शक्ति बीज मंडला पूर्णिमा ध्यान रखते हैं, जिसमें हम विजन बोर्ड भी करेंगे, आज हम लाइट लैंग्वेज मेडिटेशन भी करेंगे, ग्रुप मेडिटेशन होगा पूर्णिमा का, और जो न्यू मून होता है, जब न्यू मून होता है एवरी मंथ हम एंसेस्ट्रल हीलिंग लेते हैं, तो हम कुछ महीने एंसेस्ट्रल हीलिंग ले रहे हैं। तो हमारे 2 ऑलरेडी मंथ हो चुके हैं जब हमने एंसेस्ट्रल हीलिंग लिया था, तो इस मंथ में भी हमारा एंसेस्ट्रल हीलिंग है, जो मैं आपको डिक्लेयर करती हूँ, अभी डेट अनाउंस कर देती हूँ, वो है 20 फरवरी। ऑन 20 फरवरी वी आर गोइंग टू हैव एंसेस्ट्रल हीलिंग मॉर्निंग 5 AM, सबरे 5 बजे एंसेस्ट्रल हीलिंग का सेशन होता है हमारा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, टेक द बेनिफिट, आई वेलकम यू एवरीवन, दोज हु वांट टू ज्वाइन एंसेस्ट्रल हीलिंग प्लीज पिंग मी पर्सनली, तो मैं एंसेस्ट्रल हीलिंग का एक ग्रुप बना देते हैं, उसमें आपको कनेक्ट कर दूंगी, ओके। थैंक यू सो मच, आप सबका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, फिर से एक बार शावर ऑफ लव। एंसेस्ट्रल हीलिंग क्या है, देखिए अभी ये एंसेस्ट्रल हीलिंग होती है कि कई पीढ़ियां आपकी जो है आप उनको हीलिंग भेज रहे हो,
कुछ चीजें ऐसी होती है आपकी जिंदगी में जो आप उसके रीजन नहीं होते हो, या फिर सिर्फ पास्ट लाइफ नहीं होता है, वो एंसेस्टर से वो कर्मास आपको पास ऑन हो रहे हैं, और आप कितना भी कुछ धो लो वो धुलते ही नहीं है, क्योंकि वो आपके अकेले के है ही नहीं, इतने सारे लोगों को आप अकेले कैसे धोओगे। इसीलिए एंसेस्ट्रल हीलिंग होती है, जिसमें एंसेस्टर्स को जो है वो काफी मदद मिलती है, हीलिंग भेजी जाती है, रिलीज होता है, बहुत कुछ उसमें होता है। इट्स एनर्जी वर्क, कम्प्लीटली अनादर एनर्जी वर्क होता है। तो वहां पे बहुत सारे लोगों के फिर वो फटाफट वहां से वो यू नो प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, अगर वो एंसेस्ट्रल पैटर्न से आपके जिंदगी में आ रहा है या मौजूद है तो। ओके तो ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड बाय, और अगली बार फिर से मिलेंगे। कई सारे टॉपिक से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है, पता है स्पिरिचुअलिटी में, अगर जिनको नहीं पता एंसेस्ट्रल हीलिंग तो बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। कोई बात नहीं, हम कनेक्ट रहेंगे मंडे 4 बजे विद पद्मप्रिया सरोदया, और सब मेरे साथ कहेंगे आज आई एम अलाइव। क्या कहोगे? अनम्यूट कीजिए, रुकिए मैं सबको जो है वो अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, अनम्यूट कीजिए, हर कोई अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव नाउ। जिंदा दिली से रहना है जिंदगी, सबने बराबर है ना, जिंदा रह के जिंदगी जीनी है, हंसते खेलते हुए। बिल्कुल, पता है मुझे आज मैसेज क्या मिला आकाशिक गाइड से, जो मुझे मिला मैं आप सबको बताती हूँ। वो कहते हैं प्रिया जिंदगी एक मजाक है, इसे मजाक की तरह ही लो, बस एक ही मैसेज में उन्होंने सब खत्म कर दिया। टेक इट एज अ फन, बस हर चीज को फन में लो और कुछ भी नहीं। Okay, so I am alive. I am alive. Thank you. Goodbye. Goodbye, everyone. Thank you. PSSM India पे ये live हो रहा है, PSSM India.